स्वागत है फ्रेंड टारगेट टीवी यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें प्रैक्टिकम वर्क जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में होता है, एक तो होता है बुक रिव्यू और दूसरा होता है स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग। तो आज हम पहले सिमुलेशन टीचिंग की बात करेंगे। सिमुलेशन टीचिंग के बाद जब इसके पूरे 10 लेसन मतलब 10 स्केल होती हैं उससे रिलेटेड लेसन प्लान कंप्लीट होने के बाद बुक रिव्यू का वीडियो भी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये सिमुलेशन टीचिंग का जो इंट्रो होता है, थोड़ा सा इंट्रो लिखते हैं पहले फाइल में, फिर उसके बाद जो भी स्केल होती हैं उसके अनुसार आपको एक माइक्रो टीचिंग का प्लान बनाना होता है। उस माइक्रो टीचिंग के आपको परफॉर्म करना होगा क्लास में। इससे आपको जो एक लेसन प्लान बनता है मेन लेसन प्लान, उसमें इन्हीं स्किल्स का यूज होता है। तो पहले इन स्किलों को सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, फिर उसी को आपको थर्ड सेमेस्टर में लेसन प्लान, जो बड़े बड़े लेसन प्लान बनते हैं 10-10 पेज के, उसमें आपको उसमें यूज करना होगा इन्हीं स्किल्स को। तो पहले आज बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए सिमुलेशन टीचिंग का इंट्रो जान लेते हैं कि आखिर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सामने एक आपके सामने पेज आ गया है फाइल का। तो यहाँ से आपको जो भी मतलब जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, बायो हो, मैथ हो या अदर सब्जेक्ट हिंदी, तो उसमें जो आप सिमुलेशन टीचिंग में प्लान बनाएंगे, जो स्किल के अकॉर्डिंग बनेगा, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो ज़रूर लिखना होता है। थोड़ा सा इंट्रो होने के बाद आप स्किल के अकॉर्डिंग प्लान, माइक्रो प्लान बनाएंगे। तो ये वो थोड़ा सा इंट्रो है, 4 पेज का है ज़्यादा। तो इसको बस आप जान लीजिए कि इसमें क्या है। यथार्थवत शिक्षण जो होता है वो एक प्रकार की विधि है जिसमें हम एक शिक्षण करते हैं। तो ये यथावर्त मतलब आप जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, बाई चांस स्कूल में जैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसी का एक रूप होता है। बकायदा आप आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं, बजाय ऐसा मतलब वातावरण बना दिया जाता है कि आप जो स्कूल में जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे ही आपको पढ़ाना है। बट इसमें लिमिटेड टाइम होता है, 10 मिनट में ही आपको अपना जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करना होगा। स्किल निकालनी होती है, जैसे प्रस्तावना आपका एक कौशल होता है और पुनर्बनर कौशल हो गया, तो इसमें आपका स्किल चेक किया जाता है। वो आपकी जो क्लास के मैम होंगी या जिनको भी अलॉट किया गया होगा, वो आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपका एक निर्धारण मापने के अकॉर्डिंग आपका निरीक्षण करेंगी। तो यही वो सिमुलेशन टीचिंग में होता है और ये सेकेंड सेमेस्टर में यूज होता है। आने वाले समय में जब ये 4 ईयर का होगा तो ये रहेगा ज़रूर, बस ये किस सेमेस्टर में होगा ये आपके अकॉर्डिंग उस समय जैसा भी वो लोग अपना पाठ्यक्रम बनाएंगे वो उसी अकॉर्डिंग होगा। तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको, क्योंकि एक एक लाइन करके बताना उसमें ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो। तो इसमें अगर कोई एक तरह से एक चीज़ में आउटलाइन में बता देता हूँ, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ। तो ये देखिए यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, नकल करना किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना यथावर्त शिक्षण कहलाता है। तो किसी कृत्रिम परिस्थिति मतलब अपने द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था और उसमें वैसा ही शिक्षण करना जैसा कि रियल में होता है। तो आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाएगा, हो सकता है आपको बच्चे मिल जाएं, पर जहाँ तक है आपके जो क्लासमेट होंगे वही स्टूडेंट के रूप में बैठे होंगे, आप उन्हीं को पढ़ाएंगे। ऐसा कृत्रिम वातावरण बना के टीचिंग करवाई जाती है। तो इसको फिर आगे मैं कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको लगाना होगा आगे, ये ज़्यादा
सही रहता है, आगे थोड़ा सा इंट्रो इसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपसे कुछ प्रश्न करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें 10 स्केल होती हैं, वो मैं लास्ट में जब ये पूरा हो जाएगा 4 पेज तो मैं आपको 10 स्केल अलग से दिखा दूंगा कि 10 स्केल आखिर कौन कौन सी है। उसी में, उसी के बेस्ड में आपके माइक्रो टीचिंग वाले प्लान बनेंगे। जो डीएलएड में माइक्रो टीचिंग होती है उसी को इसमें सिमुलेशन टीचिंग बना दिया गया है देखा जाए तो। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करते जाएं, आपको 4 पेज मिलेंगे ये लिखने के लिए बस। इसके बाद जो भी टीचिंग के एक आपका स्केल होगा फिर उसी का रीटीच होता है, तो यानी 10 स्केल है तो 10 स्केल का 2 × 2 करेंगे तो यानी 20 हो जाएंगे टोटल आपके स्केल, यानी एक स्केल के 2 प्लान। चलते हैं नेक्स्ट पेज, जूम कर लेते हैं। तो ये पूरा 3rd पेज आ गया, ये 3rd पेज है। 3rd पेज के बाद एक लास्ट पेज आएगा 4th, उसके बाद वो स्केल चालू हो जाती है। तो इंट्रो में अलग वीडियो बना रहा हूँ ये, और वो जो स्केल वाले होंगे वो इसके बाद मैं अपलोड करूँगा। तो इससे ये सबके लिए यूज़फुल है, और वो जो अपलोड वाले हैं वो क्योंकि साइंस और बायो का है तो साइंस बायो वाले स्टूडेंट के लिए ही वो यूज़फुल रहेंगे वीडियोज़। हाँ, उससे एक आइडिया मिल जाएगा बाकी अदर सब्जेक्ट वालों के लिए। और ये 4th पेज हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्किल। तो यहीं पे हम होल्ड करते हैं, आपको मैं स्किल दिखा देता हूँ जो 10 स्किल हैं। तो ये है शिक्षण कौशल के 10 स्किल। इन्हीं स्किल के बेस्ड में आपको सिमुलेशन टीचिंग के 10 मिनट्स के लेसन प्लान बनाने होंगे। तो ये इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला इसमें लिखा है प्रस्तावना कौशल, 2nd है प्रश्न प्रवाह कौशल, 3rd है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, 4th है स्पष्टीकरण कौशल, 5th है दृष्टांत कौशल, 6th है पुनर्बल कौशल, 7th है श्यामपट कौशल, 8th है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और 9th है शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, और 10th है पाठ समापन कौशल। तो इन्हीं 10 स्किल के बेस्ड में आपको छोटे छोटे प्लान बनाने होंगे। तो ये 10 स्किल हैं इन्हीं का, जैसे ये प्रस्तावना कौशल हो गया फर्स्ट, तो पहला बन गया एक लेसन प्लान छोटा माइक्रो लेसन प्लान, फिर इसी का एक री लेसन प्लान यानी कि री टीच का लेसन प्लान बनेगा प्रस्तावना का, यानी सबके दो 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 बनेंगे, सबके री री हो जाएंगे, तो यानी टोटल 20 माइक्रो लेसन प्लान बनेंगे। तो एक वीडियो में मैं प्रस्तावना और प्लस री टीच वाला लेसन प्लान डिस्कस करूँगा, जो कि आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।